जिनके पाँव के नीचे आ गए, जिनके पाँव के नीचे आ गए, कंकर भी हो जाते हो हरे, कंकर भी हो जाते हो हरे, शाह से पढ़े करे जिनके नो करे, शाह से पढ़े करे जिनके नो करे, जिनके दिल बांधो परे, जिनके दिल बांधो पे के भूलो मरना चाहिए पिता, वो है, वो है, वो है, वो है, वो है। जो सबका दाता है एडीजे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोलेंगे, हाँ बोलेंगे इंशाल्लाह, आगे से पीछे तक पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, यही चाहता हूँ मैं बस और कुछ नहीं, सभी तारीफ उस अल्लाह की जो सबका दाता है, सभी को रिस्क देता है, खिलाता है पिलाता है, और लचकती डालियों में फूल खिलते हैं महकते हैं, अल्लाह अकबर, क्या है अल्लाह की शान, लचकती डालियों में फूल खिलते हैं महकते हैं, पपीहा अभी कहाँ कहकर उसी के गीत गाता है, पपीहा अभी कहाँ कहकर उसी के गीत गाता है, और वो कैसे सर झुकाए पैगाम इस दो मिसरों में, कि वो कैसे सर झुकाए जिसकी किस्मत में है महरूमी, वो कैसे सर झुकाए जिसकी किस्मत में है महरूमी, जो खुश अंजाम होता है वही मस्जिद को जाता है, वो कैसे सर झुकाए जिसकी किस्मत में हो महरूमी, जो खुश अंजाम होता है वही मस्जिद को जाता है। हजरत सामईन बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इस वक्त तकरीर पेश करने के लिए एक हजरत मौलाना मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब दामत बरकातुहू से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उनको तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। हजरत मौलाना सलाहुद्दीन साहब, الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. سامعین اکرام، جب تک مسلمان اللہ کے بنائے گئے قانون کے مطابق چلتے رہے، جب تک مسلمانوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر رکھا تھا، اس وقت مسلمانوں کا عروج تھا، مسلمان فاتح قوم کہلایا کرتی تھی، مسلمانوں کا دبدبہ پورے عالم میں گونجتا تھا، مسلمان نام سن کر کے غیروں کے تاج و تخت لرز اٹھتے تھے. لیکن جب سے مسلمانوں میں عیش و عشرت اور نفسانی خواہشات کی پیروی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس و لحاظ نہیں رہا، مسلمان مصیبتوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہونے لگے اور آیت کا پس منظر سامنے آنے لگا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، يوشك أن يأتي على الناس زمان ولا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، یعنی اس کی روح ختم ہو جائے گی، قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، عمل نہ رہ جائے گا، مسجدیں خوب عمدہ عمدہ بنائی جائیں گی لیکن وہ نمازیوں اور ہدایت سے جیران ہوں گی. میرے عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین پیشین گوئیاں فرمائی. پہلی پیشین گوئی لا يبقى من الاسلام الا اسمه، کہ مسلمان صرف نام کا باقی رہے گا یعنی اس کی روح ختم ہو جائے گی، مسلمان اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کریں گے،
मुस्लिमों में और गैर मुस्लिमों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मुसलमान इस्लामी तहजीब से दूर होते चले जाएंगे और गैर मजहबी कौमों की तरफ मायल होते चले जाएंगे। गर्ज़े के मुसलमानों को अपने इस्लामी शियार, इस्लामी तहजीब, इस्लामी कानून, इस्लामी तौर तरीके का जरा से भी एहसास नहीं रहेगा और वो गैरों के तरीके को अपनाते चले जाएंगे और हर बुराई को अपने गले से लगाकर उस पर अमल पैरा हो जाएंगे। कितनी बेइज्जती की बात है, कितनी बेगैरती की बात है। क्या इस्लाम ने हमें इसी का सबक दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी की जानिब गामज़न किया? क्या सहाबा इकराम ने हमें इसी का सबक पढ़ाया? क्या वक्त के नामवर उलमा हमें इसी की जानिब गामज़न करते हैं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। सब ने खुदा की दावत दी, सब ने मस्जिद हकीकी के सामने सजदा रेज़ होने को दावत दी, सब ने कुरान के अहकाम को बजा लाने की तरगीब दी। इसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान सिर्फ नाम के बाकी रह जाएंगे। जैसे कि यहूदियों ने समझ रखा है हमारी एक कौम है इसका नाम यहूदी, ईसाइयों ने समझ रखा हमारी एक कौम है इसका नाम ईसाई, बरहनों ने समझ रखा हमारी एक कौम है जिसका नाम बरहन, ऐसे ही मुसलमानों ने समझ रखा है हमारी एक कौम है इसका नाम सिर्फ मुसलमान। हालांकि इस्लामी कवानीन, इस्लामी उसूल जवाबित मुसलमानों से कुछ और तकाजा करते हैं। मेरे मुहतरम अजीजों, आज के मुसलमानों ने ये तसव्वुर कर लिया है कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन मुसलमान होने पर क्या क्या पाबंदी आयद होती है, शरीयत हमारे ऊपर क्या क्या हुक्म लागू करती है, इसका हमें जरा से भी एहसास नहीं। अगर कोई दीन की दावत देने जाता है, अगर कोई मस्जिद की तरफ बुलाने की दावत देने जाता है तो उसे नीची नजर से देखा जाता है, उसे हकीर समझा जाता है। इसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान सिर्फ नाम के बाकी रह जाएंगे। आज मुसलमान हर सिमत से मुसीबतों परेशानी में मुब्तला है, आज मुसलमान बदलते हालात से दोचार है, आज मुसलमान गुलामाना जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, आज मुसलमान फाकाकशी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुसलमानों पर इब्तिला व आजमाइश की घड़ियां नाजिल हो रही, मुसलमानों की मसाजिदों मदारिस महफूज नहीं है, मुसलमानों की माओ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं है, बातिन ताकतों की अलगार सिर्फ मुसलमान है। एशिया के ममालिक में अगर कोई कौम परेशान है तो उसका नाम मुसलमान है, यूरोप के मुल्कों में अगर कोई कौम परेशान है तो उसका नाम भी मुसलमान है। हाँ, वो बोसिनिया हो, चीनिया हो, हिंदुस्तान हो, बर्मा हो, कश्मीर हो, गुजरात हो, अगर कोई कौम परेशान है तो उसका नाम मुसलमान है। वो अल्लाह को एक मानते हैं, मानते हैं कि अल्लाह एक है, वो नबी की तस्दीक करते हैं, मानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान परेशान, इसके बावजूद मुसीबतों में मुब्तला। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गो, यहाँ से एक सवाल पैदा हुआ, आखिर तमाम परेशानियों में मुसलमान ही क्यों मुब्तला, दूसरी कौम क्यों नहीं मुब्तला? मुसलमानों की मसाजिद और मदारिस जो कि बका की हैसियत रखती हैं, उन्हें शक की नजर से क्यों देखा जाता? बातिल ताकतों की अलगार सिर्फ मुसलमान ही क्यों है? मेरे ईमानी भाइयों, अगर इसका कोई जवाब हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि आज हम मुसलमान नहीं रहे। इस्लामी कवानीन को तोड़ करके हम अपने आप को मुसलमान होने का झूठा दावा करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारी मस्जिदें खाली, वीरान, कोई नमाजी नहीं, हम ज़कात नहीं देते, कारून की तरह माल इकट्ठा करते हैं, जुए, कमारबाजी, शराब नोशी हम करते हैं, उख़वतो खुददारी हमारे अंदर नहीं है, इख्तिलाफो इंतिशार की बातें हम करते हैं, जिसके बिना पर आज पूरे आलम में मुसलमान परेशान हाल। एक वक्त था कि दुनिया की सारी चीजें हमें सौंपी गई थी, दुनिया के हर चीज के हम मालिक थे, जहाँ कहीं भी हम कदम बढ़ाते फैलते चले जाते थे, दुनिया की कोई भी ताकत और कुव्वत हमारी राह में हायल ना हो पाती थी। अरे हम तो वो कौम है जिसको अल्लाह ने इस दुनिया में हुकूमत करने के लिए भेजा, लेकिन आज हमारी गफलत का नतीजा है, हमारी लापरवाही का नतीजा है कि इतनी बड़ी नेमत से आज हम महरूम हैं।
कल जो हाकिम था आज वो महकूम बना हुआ है, और कल जो महकूम था आज वो हाकिम बना हुआ है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना अल्लाह ला युगयिरु मा बिकौमिन हत्ता युगयिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादा अल्लाहु बिकौमिन सुअन फला मुरद्द ला व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद ना बदल ले, और जब अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को बदल देता है तो फिर वो वापस लौटने वाली नहीं होती, और अल्लाह ताला के सिवा कोई यारो मददगार नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको फिक्र करनी चाहिए, इस्लामी कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।